हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो आज की वैकेंसी है वो दोस्तों अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो NCL यानी नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड इंडिया में ये आपकी वैकेंसी निकली है। जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप दोस्तों क्या होती है, जैसे ITI आपकी जरूरत है जरूरी है उससे अप्रेंटिसशिप, उसी तरह दोस्तों CITS उसी तरह आपके लिए है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप आपने नहीं की है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। ये दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म है, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये नोटिफिकेशन है, ये दोस्तों पोस्ट सिंगरौली कोलियरी जिला सिरौली मध्य प्रदेश पिन कोड जो है 4868889 है, ठीक है। दोस्तों ये जो मिनी रत्ना कंपनी है आप देख सकते हैं, ये इस पर लिखा है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसमें डिटेल में हाईलाइट करके कि पास जो है ITI एग्ज़ाम फ्रॉम UP एंड MP बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली। तो दोस्तों अगर आप UP और MP से हैं तभी इस वीडियो को देखें, और अदर स्टेट से हैं तो आप इस अपना टाइम ख़राब ना करें, ठीक दोस्तों, क्योंकि आपके काम के नहीं होंगे, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और UP और MP वालों के लिए ये सिर्फ है, ठीक दोस्तों, अप्रेंटिसशिप है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक तरह की जॉब होती है जो आपको मंथली स्टाइफंड प्रोवाइड करती है, 7,000 8,000 10,000 जिससे भी उनकी कंपनी की होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सीट है, कौन कौन सी ट्रेड की है। तो दोस्तों पहला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला जो ट्रेड है वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक। आपको दोस्तों टोटल जो है इसमें 88 वैकेंसी है और 1 ईयर की जो है आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज बांट रखी है, जनरल OBC SC ST, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह दूसरी जो ट्रेड है आप देख सकते हैं फीटर, फीटर की ट्रेड है और टोटल इसमें वैकेंसी है दोस्तों 685 वैकेंसी है, 1 ईयर की ट्रेनिंग इसकी भी रहेगी। उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, थर्ड है इलेक्ट्रीशियन, ये दोस्तों 430 वैकेंसी है, इसकी भी जो ट्रेनिंग रहेगी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। और अगला है दोस्तों मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक है दोस्तों, मोटर मैकेनिक की सीट है 92, 1 ईयर की इसकी भी ट्रेनिंग रहेगी, और टोटल जो ग्रैंड टोटल जो सीट है 1295 सीट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी है। अब जानेंगे दोस्तों इसमें जो है क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करेंगे आप, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका वेल्डर या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या मोटर मैकेनिक आपके पास ट्रेड होनी चाहिए, और दोस्तों आपके पास 8वीं वेल्डर वालों के लिए दोस्तों 8वीं और फिटर के लिए 10वीं और साथ में ITI। आप किसी भी ट्रेड से हो, जैसे कि NCVT से आपने कर रखी हो तभी कोई दिक्कत नहीं, SCVT से कर रखी हो तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दोस्तों UP या MP के होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे चलते हैं कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ डेट जो है आपकी ये है 20/12/2021। तो अभी दोस्तों 15 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आपके पास 4-5 दिन है, तो भरना है तो आप भर लीजिए फॉर्म। आगे दोस्तों जो एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, एज जो है 16 से 24 साल आपकी होनी चाहिए अगर आप जर्नल से हैं तो, और SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, तो आप 29 साल तक फार्म भर सकते हैं। OBC से हैं 3 साल तक आपको छूट मिलेगी, तो 27 साल तक आप फार्म भर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों आप अगर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, और PWD कैंडिडेट OBC हैं तो आपको दोस्तों 13 साल तक छूट मिल सकती है, ठीक दोस्तों। अप्लाई प्रोसेस जानेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों अप्लाई प्रोसेस सबसे पहले दोस्तों आपको apprenticeshipindia.org पर जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप उसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऐसे फिल करें, ठीक है। तो अप्लाई करने का ये प्रोसेस है दोस्तों। आगे देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं आप, इस वाले साइट पे जो है विजिट करें और अपना जो है फॉर्म कंप्लीट भरें, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो सबसे नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स का है, तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं दोस्तों आप। मार्कशीट चाहिए आपको, सर्टिफिकेट 8वीं 10वीं, जैसे कि मैंने बताया आपको 8वीं अगर वेल्डर ट्रेड से पास है तो 8वीं चाहिए, और अदर ट्रेड है आपको आपके पास तो 10वीं पास आउट आप होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों ITI मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, NCVT SCVT कोई भी हो आप चल सकते हैं, लेकिन UP और MP के आप होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चल सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों अगर आप PWD कैंडिडेट हैं
तो दोस्तों सिविल सर्जन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप, इसमें आपकी मुहर वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो ये दोस्तों आपके चार फोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, चार फ़ोटो चाहिए आपकी, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है अपलोड होना चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए, अपलोड होनी चाहिए उस पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। उसी तरह दोस्तों आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक की कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपलोड भी होनी चाहिए और दोस्तों आपके पास होनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ था अप्रेंटिसशिप का, इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अप्रेंटिसशिप पे .org.in पे आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी आपको, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।